थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार उपनगरीय बस हादसे का शिकार हो गई, जिससे बस सवार एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने बस को जब्त कर मामले को जांच में लिया है। हादसा बस के टायर फटने से होना बताया जा रहा है। सुबह इंदौर देवास चलने वाली एक उपनगरीय बस यात्रियों को लेकर इंदौर आ रही थी। शिप्रा क्षेत्र में बस अचानक अनियंत्रित हो गई। ड्राइवर ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन तेज गति होने से बस सड़क से उतरकर खेत में जा घुसी। हादसे में बस में सवार एक दर्जन से ज्यादा लोगों को चोट आ गई है। गनीमत रही कि खेत में पानी भरा हुआ था, जिससे बस कुछ दूर जाकर रुक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।